मैं हूं अली मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज आपको बताऊंगा एक ऐसी आदत जो आपको पूरी जिंदगी गरीब रख सकती है, एक ऐसी आदत जो कि इंसान को पूरी जिंदगी गुर्बत पे रहने पे मजबूर कर सकती है, एक ऐसी आदत जिसके बाद अगर आप वो आदत पाई जाती है आप जिंदगी में जितने पैसे कमा ले, आप जिंदगी में जितनी भी दौलत कमा ले, आप जिंदगी में जितनी भी गाड़ी ले ले, जितने भी बंगले ले ले, आप पूरी जिंदगी गरीब रहेंगे अगर वो एक आदत आप में है। वो आदत बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, कॉमेंट बॉक्स में आपने मुझे आंसर दे रहा है, वो सवाल ये है, व्हाई डू यू वांट मोर मनी? आपको और पैसे क्यों चाहिए? व्हाई डू यू वांट मोर मनी मैन? आपको और पैसे क्यों चाहिए जिंदगी के अंदर? हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब हो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूं, क्योंकि मैं वेकेशन पे जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं एंजॉय करना चाहता हूं, क्योंकि मैं वो हर चीज खरीदना चाहता हूं जो मैं चाहूं। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के जवाबों, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ, मैं कुछ लोगों को गलत साबित करना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में पैसा कमा के अपने लिए आसानियां पैदा करना चाहता हूँ। आप सबका हो सकता है, हर बंदे का अलग ओपिनियन होगा, अलग जवाब होगा। याद रखिए जिंदगी के अंदर हमारी एक मनी स्टोरी होती है, हर इंसान की जिंदगी के अंदर पैसे की एक स्टोरी होती है, एक पूरी कहानी होती है पैसे के पीछे। वो कहानी हो सकता है कि आपके बचपन में शुरू हुई हो, कि जब आप गए हो एक दुकान के ऊपर, आपने पेरेंट्स से कहा मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे वो टॉय चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए, और आपके पेरेंट्स आपको जवाब, जाओ पैसे नहीं है, पैसे कोई दरख्त के अंदर नहीं उगते जो तुम्हें चाहिए, फालतू खर्च करने के लिए, फालतू स्पेंड करने के लिए हमारे पास एक रुपया भी नहीं है। हो सकता है कि आपकी मनी स्टोरी वहां से शुरू हुई हो, आपने वहां से पिक किया हो कि नहीं अब मुझे जिंदगी में पैसे कमाने, और हो सकता है कि आपने अपने घर के अंदर किसी को बीमार देखा हो, आपने देखा हो कि मेरे घर में कोई बीमार पड़ा हुआ और मैं उसका अच्छा इलाज नहीं करवा पा रहा, मैं गवर्नमेंट अस्पतालों में भाग रहा हूं जहां अच्छा इलाज नहीं हो रहा, जहां मुझे लाइनें लगानी पड़ रही है। हो सकता है फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हो, वहां पे आपने देखा हो कि वहां पे फौरन से इलाज हो जाता है, पैसों वाले के मजे, हो सकते हैं वहां से आपके माइंड ने पिक किया हो कि मुझे अब पैसे कमाने, अब अपनी जिंदगी में मुझे कुछ करना है। तो सबकी एक मनी स्टोरी होती है, आपकी मनी स्टोरी क्या है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। हम जिंदगी में कर क्या रहे होते हैं, देखें एक होता है आपका पैसा आ गया, अब इन सारी बातों का लिंक क्या है आखिर उस आदत के साथ। देखिए मैं आपको इतना लंबा करके बता रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है, ये सारी बातें लिंक करती हैं उस एक आदत के साथ जो आपको जिंदगी भर गरीब रख सकती है। अब इंसान की जिंदगी में होता क्या है, वो पैसे कमाता है, उसके बाद बहुत सारा पैसा आता है, वो शो ऑफ करना शुरू कर देता है, ओ मेरी गाड़ी देखो, मेरा बंगला देखो, है मेरे एम्प्लॉयज देखो, मेरा ऑफिस देखो, मेरी घड़ी देखो, मेरे कपड़े देखो, वो शो ऑफ करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो अपने पैसे को स्पेंड करता है, किस लिए, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, वो जिंदगी में चीजें खरीदता है ताकि वो दूसरों को गलत साबित कर सके, ताकि दूसरों को नीचा दिखा सके, ताकि वो दूसरों को ये बता सके कि मैं ये कर सकता हूं। याद रखो जब जब आप जिंदगी के अंदर किसी दूसरे को कुछ प्रूफ करने के लिए कोई चीज खरीदोगे, वेन एवर यू स्पेंड मनी फॉर इंप्रेस, अगर आप किसी को इंप्रेस करने के लिए अपने पैसे स्पेंड करोगे, आप जिंदगी भर गरीब रहोगे, आप जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि आप दुनिया में हर बंदे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एक आएगा कुछ और बोलेगा, दूसरा आएगा कुछ और बोलेगा, आप जिंदगी में जेट ले लो, पूरे पूरे बंगले ले लो, पूरे पूरे एरिया खरीद लो, आप जिंदगी भर गरीब रहोगे अगर आप अपना पैसा स्पेंड करोगे दूसरे को इंप्रेस करने के लिए। याद रखे पैसा एक टूल है, मनी इज अ टूल, मनी आपको कंफर्ट देती है, आप पैसे से टाइम खरीद सकते हो, यू कैन से नो टू थिंग्स, आप चीजों को मना कर सकते हो, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे वो काम नहीं करना, बिकॉज यू डोंट नीड मनी। ठीक है, तो अगर आपको आप जिंदगी के अंदर पैसे इस वजह से खर्च करोगे कि मैं दूसरे को इंप्रेस कर सकूं, मैं दूसरे को ये यकीन दिला सकूं कि मुझसे बेटर हूं, आप जिंदगी भर गरीब रहोगे, आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर करना क्या चाहिए, आप अपने पैसे को स्पेंड करो दूसरे को इंप्रेस करने के लिए नहीं, अपने पैसे को स्पेंड नहीं करो, इन्वेस्ट करो, जहां भी इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हो, कोई भी आपका कोई बिजनेस। याद रखिए जिंदगी में किसी भी ऐसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करना जो आपको समझ में नहीं आती, किसी भी ऐसे बिजनेस के अंदर जिंदगी के अंदर आप वहां पर इन्वेस्ट नहीं करना जो बात आपको समझ में नहीं आती, आप जिंदगी भर कामयाब रहोगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ऐसा कॉन्टेंट मुझे पता है लोगों को देखना पसंद नहीं होता, लेकिन मैंने इसके लिए अलग चैनल बनाया, क्योंकि मुझे लोग बोल रहे थे कि क्या टाइम पास करवा रहे हो क्या, मैं चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूं, एक तरफ वो कॉन्टेंट, एक तरफ ये कॉन्टेंट, देखते हैं लोग किस कॉन्टेंट को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।